So, hello everyone, this is Kasturi Varsha and today I'm going to discuss Mahajanpads of Ancient India. So, आज के टॉपिक में आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद्स एंशिएंट इंडिया के. तो इसमें मैं 16 महाजनपद जो कि मेंशनड है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में उसके बारे में डिस्कस करूँगी. तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. एंड इस सेशन में क्या है कि जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश में रहेंगे एंड एक्सप्लेनेशन विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस. लेट्स बिगिन. तो महाजनपद, सबसे पहले ये देखते हैं महाजनपद्स हैं क्या. जनपद्स का लिटरल मीनिंग होता है टेरिटरीज. जनपद्स का मतलब होता है टेरिटरीज. और जहाँ आपका टर्म महाजनपद आता है इसका मतलब होता है लार्ज या ह्यूज टेरिटरीज. ठीक है. तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में इस 16 महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है. 16 बड़ी टेरिटरीज, लार्ज टेरिटरीज. सो अकॉर्डिंग टू अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा. एंड एग्जैक्टली बुद्धा के टाइम पे नहीं, टू बी प्रिसाइज 6th century BC में, अराउंड 6th century BC 16 महाजनपद्स एग्जिस्ट करते थे. तो ये जो है महाजनपद टर्म जो अंगुत्तर निकाय में मेंशन है, इनके बारे में अंगुत्तर निकाय में ये कहा गया है कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये हिमालय और नर्मदा के बीच की ज़मीन में एग्जिस्ट करते थे. तो इनमें से 3 महाजनपद जो है वो हमारे बिहार, हमारे आज के बिहार के रीजन में एग्जिस्ट करते थे. और 16 में से 3 यानी कि 13 तो हमारे ज्योग्राफिकल रीजन, हमारे बिहार के ज्योग्राफिकल रीजन के बाहर रहते थे. बट बाकी जो 3 है वो हम आगे देखेंगे कौन से 3 वो यही इसी रीजन में एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले महाजनपद जो कि है काशी. तो काशी जो है ये महाजनपद एग्जिस्ट करती थी वरुण और अस्सी नदी के जंक्शन पे, एट द जंक्शन ऑफ वरुणा एंड अस्सी नदी के जंक्शन पे ये आपका जो काशी महाजनपद है वो एग्जिस्ट करता था. सो दिस काशी महाजनपद एग्जिस्टेड और वो सिचुएटेड इन द जंक्शन ऑफ वरुणा एंड अस्सी रिवर. तो ये जो महाजनपद है इसने सबसे पहले अर्लीस्ट हैबिटेशन के साइंस दिखाए हैं. दैट इज इट हैज शोड अर्लीस्ट हैबिटेशन अराउंड 500 BC. तो इस काशी किंगडम या फिर काशी महाजनपद का कैपिटल था वाराणसी. ठीक है. कैपिटल था वाराणसी और वो आज के वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज उस जमाने का जो काशी महाजनपद है वो वाराणसी, आज के वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों को रिप्रेजेंट करता है. सो काशी महाजनपद के बारे में जो डिटेल है वो गुट्टीला जातक में मेंशन है. मैं लिख देती हूँ गुट्टीला जातक. जातक कथाएं आपने सुनी होंगी, उसी तरह से स्टोरी है. द डिटेल्स ऑफ काशी महाजनपद इज मेंशन इन दिस गुट्टीला जातक. तो 2 प्रोमिनेंट रूलर थे इस काशी महाजनपद के, बताती हूँ. सबसे पहले थे ब्रह्मदत्त एंड सेकेंड वॉज अश्वसेन. अश्वसेन वही अश्वसेन जो आपके पारसवनाथ जो 23rd तीर्थांकर थे उनके पिता थे. वो नाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और वो इसी काशी महाजनपद के रहने वाले थे. ऑब्वियसली वाराणसी जो हमने कहा था अश्वसेन राजा थे. नाउ इस काशी महाजनपद की जो है हमेशा 2-3 महाजनपद अलग अलग जो रीजन्स थे, टेरिटरीज थी, उनके साथ हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे. सो द काशी महाजनपद वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द किंगडम्स ऑफ कौशल, महाजनपद एंड अंगद
अंग, सॉरी। सो ये जो तीन टेरिटरीज हैं, दैट इज कोशल, मगध और अंग, ये हमेशा काशी को कैप्चर करके अपनी रीजन में, अपनी टेरिटरी में मिलाने की कोशिश करती रहती थी। तो कौशल जो है, जो कि दूसरा महाजनपद है, उसे एक बार एक राजा बृहद्रथ थे काशी के, उन्होंने कौशल राज्य को हराया भी था। लेकिन जब कंस आए, कौशल के राजा जब कंस आए, उस समय फिर उन्होंने काशी को कैप्चर कर लिया। और ये जो किंग कंस है, ही यूज टू रूल एट द टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये जो हमारी सिटी है, सॉरी, जो सिटी है काशी की, दैट इज जो काशी महाजनपद है, वो चारों ओर से मड एम्बैंकमेंट से घिरा हुआ था। दैट इज वो एक तरीका था खुद को प्रोटेक्ट करने का, मतलब दिखाने का कि हाँ ये हमारी टेरिटरी है, और इन अ वे खुद को सिक्योर फील करने का कि हाँ हम लोग अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। नाउ दिस महाजनपद वॉज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल द महाजनपद इन एजुकेशन, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी एंड नॉलेज। लेकिन इवेंचुअली इट वॉज कैप्चर्ड बाई कौशल, जैसा कि हमने देखा किंग कंस के टाइम पर ये जाकर मिल गया। किससे? कौशल से। कौन मिल गया? काशी। तो उस टाइम पे ये जो महाजनपद था, ये एजुकेशन, कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, दैट इज यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेड एंड कॉमर्स एग्जिस्ट करता था। यहाँ के सारे लोग एडुकेटेड थे, मोर और लेस नॉलेजेबल थे। तो ये महाजनपद वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल महाजनपद ऑफ दैट टाइम। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू कौशल। सो दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड बिटवीन गोमती, विच वॉज इट्स वेस्टर्न बाउंड्री, सर्पिका और स्यांदिका, विच वॉज इट्स सदर्न बाउंड्री, सदानीरा वॉज इट्स ईस्टर्न बाउंड्री, एंड नेपाल हिल्स वॉज इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री। तो इन चारों से ये कौशल राज्य जो है वो घिरा हुआ था। ये इनकी बाउंड्रीज है। ना, ये जो कौशल महाजनपद है, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में एग्जिस्ट करता था। ये ईस्टर्न यूपी, आज का ईस्टर्न यूपी है। नाउ तीन ग्रेट सिटीज, दैट इज अयोध्या, जो कि हिस्टोरिकल सिटी है, विच इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ रामायण, साकेत एंड श्रावस्ती वॉज इंक्लूडेड इन दिस महाजनपद ओनली। तो इस कौशल महाजनपद के बारे में रामायण में मेंशन्ड है, एंड ऑल्सो बहुत सारे पाली लिटरेचर्स में भी इस महाजनपद के बारे में बातें लिखी गई हैं। तो वेदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेदिक टेक्स्ट, कौशल वॉज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल किंगडम एट दैट टाइम। तो उस समय में कौशल जो है, दैट इज जब ये सारे महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे कौशल महाजनपद बहुत ही पावरफुल महाजनपद माना जाता था। एंड ये जो महाजनपद है, कौशल महाजनपद, ये दोनों बुद्ध और महावीर के लाइफ से रिलेटेड है। और उस टाइम पर कौशल, दैट इज जब भी बुद्ध और महावीर एग्जिस्ट करते थे, उस समय कौशल किंगडम वॉज रूल्ड बाई किंग प्रसन्नजीत। दैट इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बुद्ध एंड महावीर, कौशल किंगडम वॉज रूल्ड बाई किंग प्रसन्नजीत। तो ईस्टर्न यूपी का जो रीजन है, वो इस कौशल महाजनपद को दिखाता है, दर्शाता है। इट इंक्लूडेड अयोध्या एंड द ट्राइबल रिपब्लिकन टेरिटरी ऑफ साक्यास ऑफ कपिलवस्तु। दिस रीजन इज रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। ओके, उनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी इसी में है। नाउ ये हमें कैसे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस यही है? ये पता चलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन से। सो अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, वो यहाँ लुम्बिनी में पाया जाता है। लुम्बिनी जो है 15 किलोमीटर पिपरवा से
15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो कि बताता है कि ये रीजन जो है, ये जगह जो है, वो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। तो अशोक जो है अपने रूल के 21वें साल में धर्म यात्रा के दौरान वो यहाँ पर इस जगह पर आए थे, लुम्बिनी में आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपने इस इंस्क्रिप्शन को इंस्टॉल करवाया था। नाउ ये जो कौशल है इसके बारे में मैंने बताया कि ये आपके काशी महाजनपद के साथ बहुत समय तक कॉन्फ्लिक्ट में रहता था, एंड ये कौशल महाजनपद जो है इसके भी लड़ाइयाँ, इनकी भी लड़ाइयाँ अलग अलग टेरिटरी से होते रहती थी। सबसे बड़ा टेरिटरी या सबसे बड़ा महाजनपद जो है वो है मगध, जिससे इसकी हमेशा लड़ाइयाँ चलते रहती थी। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो मगध महाजनपद है उसने कौशल महाजनपद को अपनी टेरिटरी में मिला लिया था, और उस समय कौशल वॉज बीइंग रूल्ड बाय विदुधब, मैं लिख देती हूँ, विदुधा, ये राजा थे उस समय जब मगध ने इस किंगडम को अपने टेरिटरी में मिला दिया था। तो नाउ यहाँ पर जो कौशल महाजनपद है उसे सरयू नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो दो पार्ट में डिवाइड करती है मींस नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में। तो नॉर्दर्न पार्ट का जो कैपिटल है वो है श्रावस्ती, दैट इज उत्तर कौशल, और जो दक्षिण कौशल है, दैट इज जो सदर्न पार्ट है, उसका कैपिटल है कुशावती या अयोध्या। तो मज्जिमा निकाय में बुद्ध को कौशल कहा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वो इसी रीजन को बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें कौशल कहा जाता है। और मैंने कहा भी कि ये जो ट्राइबल रिपब्लिक है शाक्य का कपिलवस्तु, जहाँ पर ये लुम्बिनी है, वो बर्थ प्लेस है हमारे गौतम बुद्ध का। ना मूविंग ऑन टू द थर्ड महाजनपद विच इज अंग। ये जो अंग का महाजनपद है ये हमारे बिहार में एग्जिस्ट करता था, ये हमारे बिहार में एग्जिस्ट करता था। तो 16 में से 3 जो मैंने बताया कि बिहार में है, आज के बिहार के रीजन में एग्जिस्ट करते थे, उसमें से ये पहला है, दैट इज अंग महाजनपद। ये जो अंग महाजनपद है इट इंक्लूड्स द रीजन बिटवीन मॉडर्न भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार। अंग महाजनपद मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर का जो रीजन है उसको इंक्लूड करता था। तो अर्लीस्ट रेफरेंस इस टेरिटरी के बारे में, इस जनपद के बारे में हमें मिला है अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद में इस टेरिटरी के बारे में मेंशन है, अर्लीस्ट एविडेंस। हर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, हर टेक्स्ट में किसी न किसी टेरिटरी रीजन के बारे में मेंशन रहता ही है। तो अर्लीस्ट एविडेंस हमें अंग टेरिटरी या अंग जनपद के बारे में मिला है अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में कहा गया है कि एक श्लोक या फिर एक पैराग्राफ आप बोल सकते हो, वो मेंशन्ड है, और उसमें इस अंग टर्म को, वर्ड को यूज़ किया गया है इस टेरिटरी को दर्शाने के लिए। तो नाउ द कैपिटल ऑफ दिस अंग वाज चंप, और ये जो चंप है इसका भी पुराना नाम है मालिनी। तो सिर्फ ये अथर्ववेद में नहीं मेंशन है, अथर्ववेद और अंगुतर निकाय में मेंशन है, बिकॉज अंगुतर निकाय में सोलह महाजनपद के बारे में मेंशन है, एंड ऑल्सो जातक कथाएं जो हैं, जातक टेल्स, उनमें भी इस अंग महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है, ठीक है। तो कैपिटल पहले देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत और बातें इस महाजनपद के बारे में हम देखेंगे। तो चंप जो है वो लोकेटेड था एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंप रिवर। तो एक नदी जिसका नाम चंप था वो इस रीजन से गुजरती थी।
और ये चंप नाम जो है ये किंग चंप ने अपने ही नाम पे कैपिटल का नाम भी रखा था और नदी का नाम भी रखा था। सो जो चंप है इट वॉज दैट इज कैपिटल। और इस चंप का पुराना नाम मालिनी है, मैंने अभी आपको बताया है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर ऑन द ट्रेड रूट्स एंड मर्चेंट्स सेल फ्रॉम हियर टू द सुवर्ण भूमि। दैट इज ये जो चंप प्रदेश है ये एक कॉमर्शियल सेंटर था और जो मर्चेंट्स हैं दैट इज व्यापारी हैं वो यहाँ से सुवर्ण भूमि दैट इज साउथ ईस्ट एशिया जाते थे। दैट इज टू एंड फ्रो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। तो ये जो अपना अंग महाजनपद है इसके बारे में जैन सूत्र एक है जिसका नाम है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैन सूत्र जिसका नाम है प्रज्ञपन। सूत्र इसमें ये मेंशन है कि जो अंग के लोग थे वो अर्लीस्ट ग्रुप थे आर्यंस के, ठीक है, और ये बहुत टाइम तक इस रीजन में एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। तो अंग जो है इसको फाइनली बिंबिसार ने, बिंबिसार कौन थे, मगध के राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार ने, मगध के राजा ने अपने रीजन में इस अंग को मिला लिया था। लास्ट रूलर जो थे इस अंग प्रदेश के वो थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को मार के बिंबिसार ने इस अंग प्रदेश को, अंग टेरिटरी को अपने रीजन में मिला लिया था, दैट इज मगध में मिला लिया था, और अजात शत्रु को उस रीजन को गवर्न करने के लिए असाइन कर दिया था। ठीक है, तो एक जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चंदना और चंद्रबाला, चंदना जो है ये डॉटर थी ददिवाहन की, ददिवाहन जो है थ्री इंडिपेंडेंट रूलर्स दैट इज लास्ट थ्री इंडिपेंडेंट रूलर्स जो थे अंग प्रदेश के उनमें से एक है ददिवाहन, उनकी बेटी थी। तो चंदना या फिर चंद्रबाला जो है वो पहली फीमेल थी जिन्होंने महावीर की डेथ के बाद, जब महावीर की मृत्यु हो गई थी उनके बाद इन्होंने जैनिज्म को एडॉप्ट किया था, सॉरी मृत्यु नहीं, कैवल्य, दैट इज जब उन्हें इनलाइटनमेंट हुआ था, दैट इज उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आई एम सो सॉरी, महावीर ने जब कैवल्य अटेन किया था उनके बाद चंदना जो है दैट इज ददिवाहन की बेटी वो पहली फीमेल थी हु एम्ब्रेस्ड जैनिज्म आफ्टर महावीर अटेन कैवल्य। बोलते बोलते मैं ध्यान दे रही थी। चल, इन द मिडल ऑफ 6th सेंचुरी BC मैंने बताया मगध को, मगध ने अंग को एनेक्स कर लिया था, दैट इज बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे अपने रीजन में मिला लिया था। और ये जो बिंबिसार है ये थे हरियंक डायनेस्टी के, मगध की डायनेस्टी थी हरियंक डायनेस्टी, प्रोबेबली वील बी डीलिंग विद दिस टू, उसको ये बिलोंग करते थे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट महाजनपद दैट इज वत्स। वत्स महाजनपद जो है वो हमारा चौथा महाजनपद है, और अगेन ये महाजनपद भी बाकी महाजनपद के जैसा इम्पोर्टेंट है, एंड ये भी एक नदी के किनारे था, दैट इज ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, तो यमुना नदी किस नदी के किनारे अवस्थित था, यमुना नदी के किनारे ना। तो ये जो वत्स हैं ये बिलोंग करते थे कुरु क्लैन, दे बिलोंग्ड टू कुरु क्लैन जो कि हस्तिनापुर से कौशाम्बी जिन्होंने शिफ्ट किया था। सो वत्स बिलोंग टू द कुरु क्लैन हु हैड शिफ्टेड फ्रॉम
हस्तिनापुर टू कौशाम्बी। तो ये जो टेरिटरी थी, ये जो जनपद था वत्स का, इट वॉज सिचुएटेड इन दी साउथ वेस्ट ऑफ काशी महाजनपद। काशी महाजनपद के साउथ वेस्ट में ये एग्जिस्ट करता था। नाउ महाभारत में इस महाजनपद के बारे में मेंशन है एंड कहा जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द छेदीज, दैट इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, सॉरी दिस महाजनपद वर छेदीज। नाउ मैनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन वत्स एंड अवंती। अवंती क्या है? अगेन एक महाजनपद है जो मालवा मध्य प्रदेश वाले रीजन में एग्जिस्ट करता था। वील बी टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो। तो चलिए यहाँ बात करते हैं इसके कैपिटल कौशाम्बी के बारे में। सो द कैपिटल ऑफ वत्सा वॉज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर एंड इट इज लोकेटेड नियर दी मॉडर्न अलाहाबाद सिटी। तो इस रीजन के एक प्रोमिनेंट रूलर थे किंग उदयन, जो यहाँ पे 6th से 5th सेंचुरी BC तक जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, नाउ किंग उदयन के बारे में स्वप्न वासव दत्त, एक संस्कृत प्ले राइट है, भाषा द्वारा लिखी गई, उसमें मेंशन्ड है किंग उदयन के बारे में। एक्चुअली इसमें किंग उदयन के लव अफेयर के बारे में मेंशन्ड है विथ प्रिंसेसेस वासव दत्त। ठीक है, इसको याद रखो, फिर मैं बताऊंगी कहाँ की प्रिंसेस थी और क्या था। तो उदयन जो है, उदयन हीरो है 3 संस्कृत ड्रामास के। सबसे पहला है स्वप्न वासव दत्त ऑफ भाषा, नेक्स्ट इज प्रियदर्शिका एंड थर्ड इज रत्नावली ऑफ हर्ष। तो ये 3 जो है इसमें उदयन के बारे में मेंशन्ड है। तो लेजेंड्स रिकाउंट अ राइवलरी बिटवीन उदयन एंड प्रद्योत ऑफ अवंती। अवंती राज्य के साथ मैंने बताया इनकी राइवलरी चलते रहती थी। तो लेजेंड्स जो है, जितनी सारी कथाएं हैं उनमें इनकी राइवलरी के बारे में मेंशन था। और ये जो स्वप्न वासव दत्त है उसमें उदयन और वासव दत्त, जो कि प्रद्योत की बेटी थी। प्रद्योत कौन? अवंती के रूलर। सो दिस स्वप्न वासव दत्त मेंशंस अबाउट द लव अफेयर ऑफ उदयन एंड वासव दत्त। सो उदयन जो है, ही वॉज कॉन्टेम्प्ररी टू बुद्ध, प्रद्योत ऑफ अवंती, बिंबिसार एंड अजात शत्रु ऑफ मगध। तो कॉन्टेम्प्ररी मीन्स जो सेम टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो बुद्ध, प्रद्योत ऑफ अवंती, बिंबिसार और अजात शत्रु के टाइम, ये सभी एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। ना लेटर, दैट इज बाद के समय में, उदयन के बहुत कुछ समय बाद, जब भी पलक या फिर पालक का, जो भी इनको आप प्रोनाउंस करना चाहो, वो जब इस रीजन को, दैट इज वत्स महाजनपद को, जो ये रूल करते थे उस समय, वत्स को अवंती महाजनपद ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, और इस तरह से ये महाजनपद भी, एग्जिस्टेंस इसका भी खत्म हो गया। सो नेक्स्ट महाजनपद जो है वो है अवंती, विच वी विल बी डीलिंग विथ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना, बिकॉज महाजनपद इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। एंड सेकेंड थिंग, मैंने इस सेशन में मैप इंक्लूड नहीं किया है, इनकी लोकेशन मैंने नहीं बताई है। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।